जहां एक तरफ मैनपुरी में सपा की जीत की चर्चा हो रही है, ऐसे में गठबंधन की तरफ से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट को भी रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने जीत लिया। लेकिन इस जीत में जो एक अहम वोट बैंक और किरदार मजबूती से निकल कर सामने आया वो है आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। खतौली में जहां जाट, गुर्जर और मुस्लिम वोटों को जयंत ने साधा, तो वहीं दलित वोट बैंक को गठबंधन की तरफ करने में चंद्रशेखर ने अहम रोल निभाया। और जब खतौली के मतों की पेटियां खुली तो जयंत से लेकर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से एक दूसरे को बधाई दी, उसकी अब हर तरफ चर्चा होने लगी है। सबसे पहले जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत के लिए मेरे तरफ से कलाकंद बकाया है। बस जयंत के इतना ट्वीट करने की देर थी कि उधर से तुरंत ही भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी जवाब में कहा कि बिल्कुल भाई, कलाकंद तो बकाया है लेकिन अब साथ मिलकर ही खाएंगे। और इन ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियों में जयंत और चंद्रशेखर के पॉलिटिकल बॉन्डिंग को लेकर खूब चर्चा होने लगी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट करके अपने समर्थकों का आभार भी जताया और कहा कि मैंने खतौली की जनता से अपने जन्मदिन का तोहफा मांगा था, खतौली की जनता ने मदन भैया को जिताकर वह तोहफा मुझे दे दिया है। आपके प्यार और समर्थन से हम इसी तरह भाईचारे को कायम रखकर सदैव नफरत को हराते रहेंगे। यूपी में गठबंधन की जीत पर सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। इतना ही नहीं, जीत के बाद जब मदन भैया सहारनपुर के फतेहपुर पहुंचे तो चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें पहले तो शुभकामनाएं दी, इसी के साथ मुंह मीठा कराकर स्वागत भी किया। वहीं खतौली में रालोद प्रत्याशी मदन भैया की जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी, आज खतौली विधानसभा का रिजल्ट आया है जी, क्या कहेंगे उस पर? गठबंधन प्रत्याशी जीत हासिल की। देखिए, जनता ने मत देके साबित किया, जो अहंकारी बीजेपी कहती थी उनको कोई हरा नहीं सकता। जिनके सैकड़ों मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री खुद इस चुनाव में आए और जनता ने अपनी वोट से उनको सबक सिखाने का काम किया, तो गठबंधन की जीत पे सबसे पहले खतौली वासियों को बधाई। उनके साथ ये जीत जो है, देश के वो किसान जिन्होंने अहंकारी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और शहादत हासिल की, उन सभी शहीदों को नमन करते हुए जीत, उनको जो है श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग भेंट करते हैं। जो 2 अप्रैल का अन्याय उत्तर प्रदेश में हमने सहा, जो हाथरस जैसा अन्याय हम लोगों ने सहा, उस एकता को और उस दर्द को समझते हुए। सहारनपुर से संदीप सैनिक, रिपोर्ट यूपी तक।